हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या बिजी में आगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। अभी तक हम लोग ने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग देखा था लास्ट वीडियो में, आज हम लोग को सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग देखना है। तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग देखने से पहले आप लोग को दिखा देते हैं हम लोग ने एंट्री क्या क्या किया, और जो भी हम लोग देख सकते हैं जितनी भी एंट्रीज आपने कर रखी है। अगर आपको डे बुक देखना है अपने बुक्स में, अकाउंट्स बुक में जाइए, यहाँ डे बुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कब से कब तक का डे बुक देखना चाहते हैं, मान लीजिए 1/4 से 1/5 तक का मान लीजिए डेबुक आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए। यहाँ देखो जितना ही पेमेंट रिसीट कर रखा है, और देखो परचेज की एंट्री है, परचेज की एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है। ये हम लोगों ने कल परचेज की एंट्री किया था, ठीक है, प्लस साथ ही साथ कुछ रिटर्न भी हुआ था, रिटर्न की एंट्री भी हमने कर दिया था। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को बेसिकली सेल्स की एंट्री करनी है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग समझना है। तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए ध्यान रहे, अब ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑलरेडी हम लोग ऑन कर चुके हैं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर में देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में, इन्वेंटरी में हम लोगों ने जो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग किया था उसी टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया था, चालान, चालान भी इनेबल कर दिया था। अब देखो डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम चालान एंट्री कर चुके हैं। तो एक बार चालान एंट्री करने के बाद हम लोग उसको अब क्या नहीं कर सकते, चालान एंट्री करने के बाद हम उसे क्या नहीं कर सकते, उसको ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, वाउचर्स में अगर कुछ फ्री हुई देना तो उसके लिए भी ऑप्शन हमने ऑन कर लिया था। अब जो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। अब इसमें देखो दे रखा है, इन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन यू कैन कॉन्फ़िगर योर वाउचर सीरीज, वाउचर नंबर। हम चाहते हैं सेल्स की एंट्री हम पास करें, वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आता जाए, हमें वाउचर नंबर देने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो होता है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को करना क्या, हम लोग को सेल्स में, अब सेल्स में देखो दो है, जीएसटी और मेन। सेल्स में किस में, मेन में वाउचर नंबरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, ईयरली यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पे ACL, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, 22-23, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग नंबर किससे हो, एक से हो, स्पेसिफिक एंडिंग नंबर, एंडिंग नंबर कुछ नहीं है, नो मेंटेन बुक्स नंबर, नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए, बात समझे। लेकिन अब क्या, फिक्स लेंथ, लेंथ तो हमें डिसाइड करनी है ना, लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट चार रहेगा। पैडिंग कैरेक्टर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे मान लो पहला वाउचर बनेगा तो 0001 बनेगा, अगर पैडिंग कैरेक्टर नहीं रखेंगे तो सीधे वन आएगा। पैडिंग कैरेक्टर लेकिन रखिए ताकि लगे ना दिखे, 0001। पैडिंग कैरेक्टर चार है, चार का मतलब समझ रहे हो, चार मतलब हम मैक्सिमम वाउचर हमारे कितने बन सकते हैं, 9999। और अगर हम तीन रखते तो 999। तो यहाँ पे चार डिजिट रखते हैं और पैडिंग कैरेक्टर जीरो रखते हैं, दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। हो गया, सेव हो गया। अब जो देखते हैं, अब अगर हम सेल की एंट्री अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ देखो पहले से ही सेल्स वाउचर नंबर आ जाएगा, मेन को सिलेक्ट करते ही ACL 0001। अगर पैडिंग कैरेक्टर नहीं ऑन करते तो यहाँ पे सीधे क्या रहता है, ACL का तो वन लिखा होता है, तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने ऐसा किया। खैर, तो ये तो हो गया वाउचर नंबरिंग कैसे हम सेट करते हैं बिजी में। अब इसके बाद क्या है, सेल्स ऑर्डर। सबसे पहले तो हालांकि हम सेल्स ऑर्डर पहले करना है। अब यहाँ पे कह रहा है यू कैन एंटर द सेल्स ऑर्डर वाउचर इन योर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव सेल्स। सपोज करो हमें कोई ऑर्डर मिल रहा है तो हम लोग एंट्री करेंगे क्रिएट मॉडिफाई डिलीट और सेल ऑर्डर वाउचर। तो हम लोग सेल ऑर्डर को आपको पता है क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें सेल ऑर्डर की एंट्री करनी है। क्या है, रिसीव अ सेल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम ओम गैलेक्सी। तो किससे मिल रहा है, ओम गैलेक्सी से, ठीक है ना, ऑर्डर नंबर दिस वन। तो ठीक है भाई, ओम गैलेक्सी का हम लोग बना लेते हैं। इनका देखो जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, यानी कोई कंज्यूमर हो सकता है जो हमें ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे ऑर्डर की एंट्री कहाँ करेंगे, सेल ऑर्डर में, तो देखो ऊपर ही है सेल ऑर्डर, ऐड करते हैं हम लोग सेल ऑर्डर में। मेन में एंट्री करेंगे किस दिन ऑर्डर मिल रहा है हमें, 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल वाउचर नंबर, वाउचर नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा SO/065, ये ऑर्डर नंबर हो गया। अब जीएसटी कैसे लगेगा, लोकल, लोकल जीएसटी 18%। पार्टी नेम क्या है, ओम, तो यहीं पे F3 करके बना लेंगे हम लोग, क्या नाम है, ओम गैलेक्सी, ओम गैलेक्सी हो गया। ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पे, सन्ड्री डेटर, ठीक है ना, परसेंटा में नहीं दिखा डिफाइन करना है। अब देखो यहाँ पे इंडिया का है, ठीक है, दिल्ली का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है ना, जिसको हम बेच रहे हैं।
अब क्या जीएसटी नंबर नहीं दिया है, अब सीधे सीधे हम लोग क्या बिल बाई बिल यस रहेगा, एफ टू करके सेव कर लेते हैं, हो गया जीएसटी नंबर नहीं दिया है। मटेरियल सेंटर कहाँ से हम बेचेंगे, तो फिलहाल क्या है यहाँ पे नोएडा ले रखा है, तो नोएडा में तो सामान है ही नहीं, हम लोग सामान कहाँ रखे हैं, राजौरी गार्डन। तो राजौरी गार्डन में यहाँ पे बस नोएडा चेंज करके क्या कर रहा हूँ, राजौरी गार्डन बींग ऑर्डर रिसीव, हमने ऑर्डर भी मिला। अब देखो क्या क्या है, डीवीडी, तो डीवीडी देखो हार्डवेयर कितनी क्वांटिटी 150, रेट क्या दिया हुआ है, रेट 800 रुपये, हो गया। इसी तरह से अगला आइटम है क्या, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया कितनी क्वांटिटी होगी, 300 क्वांटिटी होगी, रेट क्या हो गया इसका भी 800 है, ठीक है। लास्ट है क्या आपका मॉनिटर, मॉनिटर कितना 140, 140 क्या रेट है 5000, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आप जीएसटी चाहे तो पकड़ाओ चाहे तो नहीं, वैसे ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या हम जीएसटी पकड़ाए, ठीक है ना। सीधे इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, एफ टू करके सेव, एफ टू करके सेव, फिर सेल ऑर्डर की एंट्री हो गई, होगी ना सेल ऑर्डर, आसान है सेल ऑर्डर पास करना। यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाता है, बता रहा है इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, लेकिन अभी आपने लगाया नहीं है। अब क्या करना, हम मटेरियल इशू करेंगे। अब सपोज करो ओम गैलेक्सी को हम लोग गुड्स निकाल रहे हैं, कहाँ से, राजौरी गार्डन से हम निकाल रहे हैं, किस तारीख को, 7 अप्रैल को ही, तो चलिए मटेरियल इशू हो रहा है ना, मटेरियल निकाल रहे हैं। जब हम लोग ऑर्डर किए थे तो हमें मटेरियल मिला था, बट यहाँ पे हम ऑर्डर हम लोग निकाल रहे हैं, दैट मीन्स मटेरियल इशू कर रहे हैं। ऐड करते हैं मेन वाले में, जी हाँ, किस तारीख को, 7 अप्रैल को ही। अब यहाँ देखो बाई डिफॉल्ट वाउचर नंबर 1 पकड़ा हुआ है, ठीक है पकड़ने दो। अब क्या करना है, सेल चला रहे ना, सेल्स चला रहे ना, बेच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, लोकल 18%, ठीक है, पार्टी नेम वही ओम गैलेक्सी, मटेरियल सेंटर राजौरी गार्डन, बींग गुड्स इशू अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग गुड्स निकाल रहे हैं। अभी आइटम हमें सेलेक्ट नहीं करना है, याद है ना, क्या दबाना है, F11, यहाँ पे आ जाएगा, यही ऑर्डर नंबर था, जी हाँ, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते ही सारा क्वांटिटी अपने आप पुट हो जाएगा। आगे कि नहीं आ गया, बस इसके बाद क्या करेंगे, एंट्री को सेव कर लीजिए F2 करके, यानी गुड्स हमने भेज दिया, निगेटिव स्टॉक आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप सीधे इसको सेव करिए। समीर ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, ठीक है, GRN नंबर दे देते हैं 1, व्हीकल नंबर मेंटेन करना चाहते नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर, आप उसे चाहे तो इग्नोर करके भी एक्सेप्ट कर सकते। तो ये हमने गुड्स हमने इशू कर दिया, गुड्स इशू करने के बाद फिर देखिए आगे क्या है, सेल्स करना हमें, तो सेल्स करेंगे तो ट्रांजेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे हमें सेल करना है, गुड्स बेच रहे, दैट मीन्स बिलिंग हो रही है, तो बिलिंग हो रही है किस तारीख में, 7 अप्रैल को ही बिलिंग हो रही है, मेन में जाएंगे 7 अप्रैल को हम लोग बिलिंग कर रहे हैं, ओके। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट होता है कि अगेंस्ट चालान, डायरेक्ट सेल हो रहा है कि अगेंस्ट चालान हो रहा है, तो चालान के अगेंस्ट ना, लोकल 18%, पार्टी नेम ओम गैलेक्सी, मटेरियल सेंटर राजौरी गार्डन। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे अब आइटम पकड़ाना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, F11 दबाइए, F9 पहले दबा के हटाना पड़ेगा अब, हाँ यहाँ पे क्या दबाना था, F11, यहाँ पे यही था एक नंबर चालान, सेलेक्ट करिए, ओके करिए, सारा आइटम अपने आप आ गया। डू वॉन्ट टू अपडेट द ट्रांसपोर्ट डिटेल, हम कहते नहीं अभी ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं बनना, F2 दबाइए। अब यहाँ पे क्या पड़ा दी, CGST हो गया, CGST NSGST आ गया, अमाउंट आप मिला भी सकते हो, अमाउंट 95,400 आ गया ना। अब क्या करेंगे, F2 करके सेव, कॉल सेंटर नहीं पकड़ाना, ओके करिए, हाँ ये बिल नंबर आ गया एकदम सही है, ओके। ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं भरने तो ओके करके इसको भी इग्नोर कर दीजिए, और देन यू शुड नॉट ट्रांजैक्ट विद द अकाउंट नंबर ओम गैलेक्सी 2 लाख से ऊपर ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ पैन, कहते हैं पैन चूंकि नहीं है, 2 लाख से ज्यादा का सेल नहीं कर सकते, तो उनका पैन नंबर मेंटेन कर दीजिए। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, हम बोलते हैं हाँ ठीक है, बाद में देखेंगे पैन नंबर, फिलहाल हमने सेल कर दिया। देखो ना वहाँ क्या मैसेज किया, मैसेज ये दे रखा है 2 लाख से ज्यादा का माल बेच रहे हो, उसको कंज्यूमर है ठीक है, लेकिन उसका पैन नंबर तो एटलीस्ट ले लो, क्या ले लो, पैन नंबर ले लो, प्रिंट करना है सेल इनवॉइस, जी हाँ प्रिंट करके एक बार देखा जाए। अब प्रिंट है तो प्रिंट हम लोग देख लेते हैं, अब प्रिंट की जगह पे हम बस प्रीव्यू देखेंगे, तो प्रीव्यू अगर आप देख रहे हो तो ये देखो सेटिंग है, ओके
ये प्रीव्यू आपका बना के दे दिया। इस तरह से देखो इनवॉइस निकलेगा, ये जीएसटीएन नंबर हमारी कंपनी का ओरिजिनल कॉपी है, ये क्या है ओरिजिनल कॉपी है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, एसीएल इनवॉइस लिमिटेड, ठीक है ना, ओम गैलेक्सी के नाम पे बिलिंग हो रही है, शिपिंग भी उसी नाम पे हो रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ये है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो आप लोग, ये बिलिंग टैली का ही बिल देखा आपने, और ये किसका बिल है, ये बिजी में, बिजी में लगभग उसी तरीके से बिल बनता है। सीजीएसटी कितना लगा, 9%, एसजीएसटी कितना लगा, टोटल यूनिट कितना हुआ, टोटल इतना आ गया। सेल की एंट्री हो गई है, अब सेल की एंट्री के बाद सपोज करो सेल रिटर्न हो रहा है, ओम ने हमें रिटर्न कर दिया 50 पीस पेन ड्राइव, तो चलिए वापसी की एंट्री कर लेते हैं। किस तारीख में एंट्री हो रही है, अब 4 तारीख को तो वापस नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 तारीख, 10 अप्रैल को, सपोज 10 अप्रैल को वापसी हो रही है, ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न हो जाएगा, ऐड करेंगे मेन 10/4 को वापसी हो रही है, अके अगेंस्ट चलान हो रहा है कि डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है ना, एल 18% किससे, ओम से। अब ये पूछ रहा ओरिजिनल वाउचर नंबर बताओ, तो ओरिजिनल वाउचर नंबर क्या था, ACL/0001/2223। अब जैसे एंटर करेंगे, अपने आप बता दिया कि 7 तारीख को ये बिल बना था, बिल नंबर पकड़ लिया ना उसने, अमाउंट भी बता दिया इतने का सेल हुआ था, अब उसी में से हमें रिटर्न करना है। कहाँ पे वापस आ रहा है सामान, राजवाड़ी गार्डन में, बींग सोल्ड गुड्स रिटर्न है ना, आइटम क्या है, क्या वापसी हो रही है, पेन ड्राइव, कितनी पीस वापस हो रही है, 50 पीस, रेट अपने आप आएगा सेल का, F2 करके यहाँ पे CGST SGST पकड़ा दीजिए। अब ये जो है 47,200, ये बिल में से माइनस हो जाएगा ना, कॉस्ट सेंटर नहीं पकड़ाना, ओके करिए, हाँ यहाँ मेथड में पकड़िए, उसी बिल से एडजस्ट हो जाएगा ना, 12,50,800 में से 47,200 माइनस हो जाएगा, हो गया, ये नहीं भरना हमें डिटेल्स, ओके करिए, ठीक। रिटर्न की भी एंट्री आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो ना, प्रिंट करने तो आता है ना सबको, यहाँ से भी लिस्ट में जा सकते हैं, यहीं से लिस्ट में चले जाओ, एंट्री आ गई, ओपन करो और यहीं से तुम प्रिंट दे सकते हो, सेल रिटर्न इनवॉइस का प्रिंट देना चाहते हैं, रिव्यू यहाँ देखना चाहते हैं। अब देखो यही पे होता है ना, इसमें चीजों को यस नो, क्या तुम चाहते हो प्रिंट में यस रख दो, जो तुम नहीं चाहते उसे नो रख दो, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये हो गया रिटर्न का वाउचर, भी आप लोग ऐसे प्रिंट करके दे सकते हो, सामान के साथ ही वापसी भेज सकते हो, ठीक। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया आपका सेल्स की एंट्री, अब क्या करेंगे हम लोग, सेल रिटर्न हो गया, अब कह रहा है सेल रजिस्टर अगर देखना है तो कहाँ से जाएंगे, सेल रजिस्टर देखने के लिए अकाउंट्स बुक में जाना होगा, डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट्स बुक में जाते हैं, यहाँ पे देखो सेल्स रजिस्टर होता है, अकाउंट रजिस्टर के अंदर यहाँ पे सेल्स रजिस्टर, ऑल सेल टाइप जितने भी सेल हो सारे पार्टीज को, ओके फिलहाल एक ही है सेल एंट्री है ना, ओम गैलेक्सी को हमने सामान बेचा था, दिखा रहा 12,50,000 का, हालांकि इसमें रिटर्न भी हुआ है, क्या हुआ है, रिटर्न की एंट्री, फिर कह रहा है क्या, सेलेक्ट द वाउचर एंट्री एंड क्लिक ऑन ओके, एंडिंग डेट एंड क्लिक ऑन ओके, डिस्प्ले सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट, तो हो गया, चलो ठीक है, देख लिया हम लोग ने, परचेज रजिस्टर रिपोर्ट भी वहीं से देख सकते हैं, अकाउंट रजिस्टर में देखो परचेज रजिस्टर भी होता है, परचेज रजिस्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं, होता है ना बॉस ज़्यादातर मांगते हैं जरा परचेज रजिस्टर दिखा दो, तो परचेज में भी एक ही परचेज है, ठीक है, हाँ इसमें चीज़ों को यस नो करके आप देख सकते हो, रिपोर्ट्स में और डिटेल देखिए, मटेरियल सेंटर भी देखना चाहते हो तो यस है ना, पेमेंट से डिटेल्स भी देखना चाहते हो, पार्टी को पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे भी तुम यस कर सकते हो। अब क्या होता है, सेल रिटर्न रजिस्टर तुम देख सकते हो, तो सेल रिटर्न रजिस्टर कहाँ पर जाके देखेंगे, ये देखो सेल्स रिटर्न रजिस्टर परचेज रिटर्न रजिस्टर है, देख सकते हैं ना सब लोग। अब क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट आप देखना चाहते हो, डिस्प्ले में स्टॉक स्टेटस में जाके आप क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हो, तो डिस्प्ले में यहाँ देखो स्टॉक स्टेटस होता है, फिर यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं है ना, क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप ऑल आइटम, ठीक है ना, फिर मटेरियल सेंटर, फिल्टर मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर भी फिल्टर कर लो, अच्छा अशोक भी आप जो जॉइन दो इसको, फिलहाल अभी हम स्टॉक देखना चाहते हैं ग्रुप वाइज, तो हार्डवेयर दिखा रहे हैं, इंटर मारेंगे हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आइटम है दिख जाएगा,
ठीक है। और अगर गोडाउन वाइज देखना होगा तो इसको मटेरियल सेंटर को ऑन कर लीजिएगा। पहले कौन से गोडाउन का देखना चाहते हैं? राजौरी गोडाउन दिखा रहा है 590 पीस माइनस में। तो सारा स्टॉक है कहाँ पे? नोएडा में पड़ा हुआ है क्या? अच्छा नोएडा में पड़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है। चलिए और कौन सी जगह है? अशोक विहार में कोई स्टॉक है क्या? कोई स्टॉक अशोक विहार में नहीं है। अब आते हैं वापस, ये तो हो गया ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने एक तरीके से परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लिया। अब इस पे क्या है? इस पे असाइनमेंट है। जितना आज हमने पढ़ाई किया इस पे एक असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट आप अब कर सकते हो। तो यहाँ देखो असाइनमेंट नंबर थर्ड है, सेम है ओपन योर कंपनी, वही कंपनी ओपन करना है ना। और जीएसटी रेट यहाँ कह रहा है जीएसटी जब ऑन करिए उसी टाइम पे आप 18% दिखा दीजिए, ऑन कर दीजिए उसी समय। डिफॉल्ट जीएसटी रेट आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। और परचेज कर रहा है क्या है? फॉलोइंग गुड्स आर के से, जीएसटी रेट 18% है। लेकिन यहाँ देखो नीचे एक दे रखा है, पहले पीओ बनाइएगा, परचेज ऑर्डर पहले बनाइएगा, फिर चलान बनाइएगा, देन जाकर के परचेज की एंट्री। सीधे परचेज की एंट्री मत करने लगिएगा। तो सवाल उठता सर एक तारीख को ही एंट्री दिया है, बाकी का तो डेट नहीं ना दिया है, पीओ कब है, चलान कब है? तो सब एक एक तारीख को मान के चलिए। एक तारीख को ही आप परचेज ऑर्डर कर लीजिएगा, एक तारीख को आप चलान बना लीजिएगा, एक तारीख को ही आप परचेज की एंट्री भी कर दीजिए। और सारा सामान कहाँ रखना है? नोएडा में। लिखा भी है नीचे, पास द परचेज ऑर्डर एंड द मटेरियल रिसीव एंड देन पास द परचेज बिल एंट्री। और क्या क्या आइटम है आपको दिख रहा है? इसी तरह से कह रहा है परचेज 10 पीस बिजी, इतना 1/4 को स्टोर एंड राजौरी गोडाउन। इसमें देखो इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं ना है, ये सिंपल डायरेक्ट परचेज है। इसको क्या बोलेंगे? इसमें क्या है? इसमें ऑर्डर और चलान के थ्रू परचेजिंग हुई है, यहाँ डायरेक्ट परचेज है। फिर डायरेक्ट परचेज की एंट्री करनी है, फिर सेल्स की एंट्री है। ये सेल्स की एंट्री में देखो दे रखा है, पहले ऑर्डर सेल्स ऑर्डर चलाओ, फिर चलान यानी सामान भेजो, उसके बाद बिल बनाना सेल की। और फिर कह रहे रिटर्न की एंट्री करनी है, फिर दास एंड सन्स को क्या करना है? रिटर्न करना 10 पीस, फिर सोल्ड कर दो मॉनिटर इतना पीस, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपने परचेज सेल्स वाउचर अगर वीडियो अगर आज का ये जो टॉपिक है ढंग से समझा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। वरना ये असाइनमेंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे ख्याल से आज का जो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।